मातरम वंदे मातरम का विकास कराना नहीं, वंदे मातरम का आपने मातरम वंदे मातरम का विकास कराना नहीं, वंदे मातरम का आपने मातरम वंदे मातरम का विकास कराना नहीं, वंदे मातरम का आपने। ये मेरठ से बहुजन समाजवादी पार्टी की नवनिर्वाचित मेयर सुनीता वर्मा है। सुनीता वर्मा द्वारा रिपोर्टर पर भड़कने की वजह है रिपोर्टर का उनसे ये सवाल पूछना कि आप राष्ट्रगीत के वक्त खड़ी क्यों नहीं हुई। राष्ट्रगीत की बात की जाए तो वंदे मातरम का सम्मान नहीं तो सम्मान नहीं तो अपमान कैसा? आप वंदे मातरम होते कि आप खड़ी नहीं हुई है वंदे मातरम नहीं हुई थी। अगर वंदे मातरम वंदे मातरम का विकास कराना नहीं, वंदे मातरम का आपने अपना अपमान करा, आप खड़ी नहीं हुई, वंदे मातरम का सम्मान होना चाहिए। दरअसल मंगलवार को मेरठ के टाउन हॉल के गांधी पार्क में नव निर्वाचित महापौर और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इस समारोह में उस वक्त हंगामा मच गया जब इसकी शुरुआत वंदे मातरम के गायन से हुई। इस दौरान भाजपा पार्षदों, नेताओं और कमिश्नर सहित कई अधिकारियों ने खड़े होकर वंदे मातरम गाया, लेकिन सुनीता वर्मा, उनके पति और उनकी पार्टी के नेता बैठे रहे। नव निर्वाचित मेयर द्वारा राष्ट्रगीत के अपमान के बाद शपथ ग्रहण समारोह का माहौल गर्मा गया, जिसके बाद किसी तरह स्थिति को काबू में किया गया। जब बाद में सुनीता वर्मा से राष्ट्रगीत पर खड़े ना होने की वजह पूछी गई, तो वो रिपोर्टर पर भड़क गई। आपको बता दें कि इससे पहले मेयर चुने जाने के बाद सुनीता वर्मा ने पूर्व मेयर के वंदे मातरम गाने के आदेश पर रोक लगा दी थी। सुनीता वर्मा ने साफ कर दिया था कि मेरठ नगर निगम की बोर्ड बैठकों में वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा। हालांकि बैठक में राष्ट्रगान की परंपरा का पहले की तरह पालन होता रहेगा। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।